महादेवा नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हम लोग संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला पढ़ रहे हैं। 137वीं श्रृंखला में हम लोग संस्कृत का सामान्य ज्ञान देखेंगे, जिसमें संस्कृत में शरीर के अंगों के नाम को हम लोग पढ़ेंगे, कुछ प्रमुख अंगों के नाम जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। स्लाइड में आपको दिख रहा होगा शरीर के अंगों के नाम, संस्कृत में शरीर के अंगों के नाम हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए स्लाइड में आपको दिख रहा होगा शरीर के अंगों के नाम, एक तरफ हिंदी उसका अर्थ है और दूसरा उसका संस्कृत अनुवाद है या संस्कृत में उस अंग का नाम है। तो पहला अंग है अंग, जिसको आप लोग अंग कहते हैं। इसको संस्कृत में नपुंसक लिंग में अंगम कहते हैं अथवा पुल्लिंग में अवयवा कहते हैं, अवयवा। फिर अंजलि हाथ को अंजलि कहते हैं, और स्त्रीलिंग में उसे संस्कृत में कहा जाता है अंजलि ही। अंडकोशा को संस्कृत में वृषणा मुस्का, पुल्लिंग शब्द है मुस्का, वृषणा और मुस्का। फिर अस्थिपंजरा अर्थात हड्डी, अस्थिपंजरा। कंकाला जो कंकाल होता है, अस्थिपंजरा अर्थात जिसमें मांस इत्यादि हट जाते हैं, केवल हड्डी से बचती है, उसे कंकाला कहते हैं, ये पुल्लिंग शब्द है। फिर आँख आता है, आँख को नेत्रम, लोचनम, नयनम, चक्षु, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, नेत्रम, लोचनम, नयनम, चक्षु। फिर आँत, आँत को संस्कृत कहते हैं अंतरम, नपुंसकलिंग शब्द है अंतरम। और आगे देखें, फिर आंसू को कहते हैं अश्रु, अस्त्रम, नेत्रवाष्पम, ये नपुंसकलिंग शब्द है नेत्रवाष्पम। आंसू को अश्रु, अस्त्रम, नेत्रवाष्पम कुछ भी कह सकते हैं। फिर आँख की कीचड़ को इसिका, दूसिका, अच्छिमलम, इसिका बोलेंगे या दूसिका बोलेंगे या अच्छिमलम बोलेंगे। फिर आँख की पुतली को हम कहते हैं कनीतिका, कनीनिका, तारका, नेत्र गोलकम, आँख की पुतली को बोलेंगे कनीनिका, तारका, नेत्र गोलकम। फिर आँख का कोना बोलेंगे आपंगा, आँख के कोने को बोलेंगे क्या आपंगा। अंगुली को बोलेंगे अंगुलिका, अंगुली या कर शाखा, कर मतलब हाथ और शाखा मतलब उसकी शाखाएं अर्थात अंगुलियां, अंगुली को बोलेंगे अंगुली या कर शाखा। फिर अंगूठा को बोलेंगे अंगुष्ठा, अंगूठा को क्या बोलेंगे अंगुष्ठा। फिर अंगूठे के पास की उंगली को बोलेंगे तर्जनी, अंगूठे के पास की उंगली को बोलेंगे तर्जनी अर्थात अंगूठे से दूसरे नंबर की उंगली को, अंगूठे के बाद दूसरे नंबर की उंगली को क्या बोलेंगे तर्जनी या प्रदेशिकीनी, तर्जनी या प्रदेशिनी। फिर इंद्रिय को बोलेंगे करणम, इंद्रियम। फिर ओष्ठ को बोलेंगे ओंठ को ओष्ठा, ओंठ को क्या बोलेंगे ओष्ठा। फिर एणी को बोलेंगे अर्थात एणी, पाँव की जो एणी होती है उसे बोलेंगे पार्श्वी या एणुकम। फिर कंठ बोलेंगे कंठा, कंठ को या क्या बोलेंगे कंठा। कंधा को बोलेंगे स्कंधा या अंसा, कंधे को बोलेंगे स्कंधा या अंसा। उसके बाद कंधे की हड्डी को बोलेंगे जत्रु, कंधे की हड्डी को क्या बोलेंगे जत्रु, ये देख लें, कंधे की हड्डी को बोलेंगे जत्रु, नपुंसकलिंग शब्द है। और कमर को बोलेंगे कटी ही श्रोणी ही, कमर को क्या बोलेंगे कटी ही श्रोणी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। कंकाला, कंकाल को बोलेंगे कंकाला, कंकाल था जिसमें मांस लोथरे नहीं हो सके केवल हड्डी मात्र शेष हो उसे कंकाला कहनी है। फिर कनपटी अर्थात कान में जो लड़ी टाइप की लटकी रहती है उसे बोले हनु, हनु या हनु या गंड स्थला इत्यादि शब्द बोल सकते हैं। कलाई को बोलेंगे मणिबंधा, कलाचिका, मणिबंधा और कलाचिका। कलेजा को बोलेंगे वक्रम, वक्कम, अग्रमांसम, हृदय, बुक्का। और कांख, कांख को बोलेंगे कच्छांतरम, कच्छा, बहुमूलम, कच्छांतरम, कच्छा, बहुमूलम। उसके बाद कान आ जाता है, कान देख लें
कान को हम लोग बोलेंगे कर्णाह श्रोत्रम श्रवणम, ये कर्णा शब्द पुल्लिंग में है और श्रवणम शब्द नपुंसकलिंग में है। और कूला, कूला को बोलेंगे कटिप्रोच्छाह कटिप्रोथाह, पुल्लिंग शब्द है। और कुबड़ को बोलेंगे कुब्जा, कुबड़ को क्या बोलेंगे कुब्जा। और कोहनी को बोलेंगे कफोड़ी ही या कर्पूरा कुरपरा, कुरपरा अथवा कर्फोड़ी ही, कुरपरा या कर्फोड़ी। आगे देखें, ये खाल, खाल खाल को हम लोग बोलेंगे त्वच, त्वचा, जिसको त्वचा कहते हैं खाल है। खून को हम लोग बोलेंगे रक्तम रुधिरम सोड़ितम, रक्तम रुधिरम सोड़ितम। फिर खोपड़ी को बोलेंगे कपाला खरपर खपरा मस्तकम, कपाला खपरा मस्तकम। गर्दन को बोलेंगे गिरवा शिरोधरा, गिरवा और शिरोधरा। गला को बोलेंगे कंठा गला। गंजा को बोलेंगे खलवाटा, गंजी को बोलेंगे खलवाटा, खलवाटा खलवाटा। गंजा खलवाटा पुल्लिंग शब्द है और गंजी खलवाटा स्त्रीलिंग शब्द है। फिर ग्रंथ, ग्रंथ मतलब होता है गांठ, इसको ग्रंथि ही बोलेंगे जो स्त्रीलिंग शब्द है ग्रंथि। फिर आगे आ जाता है गाल, देख लें गाल को हम लोग कपोला या गंडा बोलते हैं, कपोला या गंडा। गुदा को बोलते हैं गुदम मल द्वारम अपानम, नपुंसकलिंग शब्द है अपानम। गुदा को हम लोग क्या बोलेंगे गुदम मल द्वारम अपानम। फिर गुर्दा, गुर्दा को हम लोग बोलते हैं वक्रह वक्रह वृक्कह, गुर्दा को क्या बोलेंगे वृक्कह। फिर गोंद को क्या बोलेंगे क्रोडम अंक उत्संगह, गोंद को क्या बोलेंगे क्रोडम अंक उत्संगह। फिर घुटने को बोलेंगे जानू, घुटने को क्या बोलेंगे जानू, नपुंसकलिंग शब्द है। घुंघराले बाल को बोलेंगे अलका चूर्ण कुंतला, चूर्ण कुंतला या अलका पुल्लिंग शब्द है। चूर्ण कुंतला घुंघराले बाल को कहते हैं। फिर चरण, चरण मिस होता है पैर, इसको बोलते हैं चरणा या पा। चर्बी को बोलते हैं मेदा वसा वपा, मेदा वसा वपा। फिर चिकोटी, चिकोटी बोलते हैं नख छतम, जब हम किसी को नाखून से चिकोटी काटते हैं उसको बोलते हैं नख छतम, नख छतम अर्थात नाखून से जो छत करे उसे नख छतम कहते हैं। फिर चुटकी को बोलते हैं छोटिका अंगुली ध्वनि, अंगुली ध्वनि। चुटकी को बोलते हैं छोटिका या अंगुली ध्वनि, जब हम लोग चुटकी करते हैं ऐसे तो समझिए कि वो छोटिका है या अंगुली ध्वनि है। फिर चूतड़ को बोलते हैं नितंबा या स्फक, नितंबा या स्फक। चोटी को बोलते हैं शिखा, चोटी शिखा या चूड़ा। फिर छाती को बोलते हैं वक्ष स्थल या वक्षा उरा, वक्ष स्थल वक्षा या उरा। और छोटी उंगली, सबसे लास्ट वाली जो उंगली होती है हाथ की, सबसे छोटी उंगली जो सबसे लास्ट वाली उंगली होती है उसको बोलते हैं अनामिका, क्या बोलते हैं अनामिका, अनामिका बोलते हैं। देख लें हाथ की सबसे छोटी उंगली तो हम लोग क्या बोलते हैं अनामिका, स्त्रीलिंग शब्द है। फिर जटा को बोलते हैं जटा या शटा, स्त्रीलिंग शब्द है। जबड़े को बोलते हैं सृक्कणी, जबड़े को क्या बोलते हैं सृक्कणी। फिर जांघ को बोलते हैं जंघा उरुह जघनम, जांघ को बोलते हैं जंघा उरुह जघनम। फिर जिगर, जिगर को बोलते हैं यकृतम कलेयम, यकृतम या कालेयम। फिर जीभ को बोलते हैं जिह्वा रसना, जिह्वा बोलेंगे अथवा रसना। और जूड़ा को बोलते हैं, जो जूड़ा बांधा जाता है बाल में उसको बोलते हैं वेणी ही। और टुड्ढी को बोलते हैं, टुड्ढी को चिबुकम या हनु। और टेढ़ी भाव को बोलते हैं भ्रुकुटी, टेढ़ी भाव को क्या बोलते हैं भ्रुकुटी। फिर आगे देख लें, फिर अगला है टुड्ढी को क्या बोलते हैं चिबुकम या हनु, टेढ़ी भाव को बोलते हैं भ्रुकुटी। और तलवा को बोलते हैं तला या पाद तलम, तला या पाद तलम।
फिर ताली को बजाते हैं, ताली बजाने को बोलते हैं करतल ध्वनि, करतल ध्वनि या ताला, ताली को बोलते हैं करतल ध्वनि अथवा ताला। फिर तालु को बोलते हैं तालु या काकुदम। और त्योरी को बोलते हैं मस्त कावली या मस्त करेखा, स्त्रीलिंग शब्द है त्योरी, मस्त कावली अथवा मस्त करेखा, मस्त कावली अथवा मस्त कलेखा। आगे देखिए तोंद को बोलते हैं, जिसको आप लोग पेट या तोंद बोलते हैं, तोंद को बोलते हैं तुंदम, क्या बोलते हैं तुंदम। और तोंद के बीच छिद्र जिसको बुरड़ी आप कहते हैं उसको बोलते हैं नाभि। थप्पड़ को मारना को बोलते हैं चपेटा या चरपटा, थपेटा चपेटा या चरपटा। फिर थूक या खखार, थूक को बोलते हैं निश्च्यूती अथवा निश्च्यूतम। फिर दाढ़ को बोलते हैं दंष्टा, दाढ़ी को बोलते हैं समश्रु या दाढ़िका या कुर्चम, समश्रु दाढ़िका कुर्चम। फिर दांत को बोलेंगे दंता रदना दसना, दंता रदना दसना। फिर दिल को बोलते हैं हृदयम, दिल को क्या बोलते हैं हृदयम, दिल को बोलेंगे हृदयम। और दिमाग को बोलेंगे मस्तकम, दिमागी को बोलेंगे मानसिका या बौद्धिका, दिमागी को क्या बोलेंगे मानसिका बौद्धिका। नरम को मृदु कोमलम, मृदु और कोमलम। और नस को बोलते हैं रक्तवाहिनी शिरा स्नायु धमनी, रक्तवाहिनी शिरा स्नायु और धमनी। फिर नाखून आ जाता है, नाखून को बोलेंगे नखाह करजाह नखम, नखाह करजा नखम। फिर नाक को बोलेंगे नासिका घ्राणम और घ्राणम, नासिका और घ्राणम बोलेंगे नाक को। फिर नाक के छेद को बोलेंगे नासारंध्रम नासिक्यम, नाक के छेद को क्या बोलेंगे नासारंध्रम या नासिक्यम। और नाड़ी को बोलेंगे स्नायु नाड़ी नाड़ी ही। और नेत्र बोलेंगे नेत्रम। और पंजड़ी को बोलेंगे परसुका, पंजड़ी को क्या बोलेंगे परसुका। और पंजा को बोलेंगे पंजालुगम। फिर पलक को बोलेंगे नेत्रोमन, पलक को बोलेंगे नेत्रोमन अथवा पच्छम, पलक को क्या बोलेंगे नेत्रोमन अथवा पच्छम। फिर पसीने को बोलेंगे इस्त्रवणम या स्वेदा या प्रस्वेदा अथवा स्वेदा अथवा इस्त्रवणम, इस्त्रवणम स्वेदा या प्रस्वेदा। पीठ को बोलेंगे पृष्ठम पृष्ठदेशाः, पेट को बोलेंगे उदरम जठरम, पेट को क्या बोलेंगे उदरम और जठरम। पैर को बोलेंगे पादाः चरणाः अंगघी। अब आगे आइए यहाँ पे हम लोग, पैर का टखना टखना, देखिए पैर का टखना बोलेंगे गुल्फा, क्या बोलेंगे गुल्फा। प्लीहा को बोलेंगे जुल्मा, प्लीहा को क्या बोलेंगे जुल्मा। फेफड़े को बोलेंगे फुफ्फुसम, फेफड़े को क्या बोलेंगे फुफ्फुसम। फिर बस्ती को बोलेंगे मूत्रपुटम, बस्ती को क्या बोलेंगे मूत्रपुटम। फिर बाल को बोलेंगे केशाहा कचाहा शिरोरुहा, केशाहा कचाहा शिरोरुहा। बाह को बोलेंगे बाहु या भुजा या भुजा। बीच की उंगली को बोलेंगे अर्थात एकदम बीचों बीच जो उंगली हमारी होती है उसको मध्यमा बोलेंगे, क्या बोलेंगे मध्यमा। और बीच की उंगली से पहले अंगूठी तरह तो तर्जनी, और तर्जनी बोल सकते हैं ठीक है। अब बुद्धि को बोलेंगे क्या, बुद्धि को क्या बोलेंगे बुद्धि ही बोलेंगे, प्रज्ञा बोलेंगे या मनीषा बोलेंगे अथवा धी बोलेंगे, बुद्धि प्रज्ञा मनीषा धी। फिर भावों को बोलेंगे भ्रू। फिर आगे देख लें आप लोग, भावों का जो मध्य भाग होता है उसको बोलते हैं कुर्चम, क्या बोलते हैं कुर्चम, क्या बोलेंगे भाव के मध्य भाग को क्या बोलेंगे कुर्चम। या भुजा को क्या बोलेंगे बाहु, भुजा को क्या बोलेंगे बाहु। आइए और आगे कुछ देख लेते हैं मात्र।
आगे देखेंगे हम लोग इसी क्रम में। ये अगला शब्द है मल। मल को बोलेंगे मलम या निष्ठा अथवा पुरीशम। मलम विष्ठा पुरीशम। और मन को बोलेंगे मनः चित्तम स्वांतम मानसम। मनः चित्तम स्वांतम और मानसम। फिर मसूड़े को बोलेंगे काकुदम दंतमूलम। और माथे को बोलेंगे हम लोग ललाटम मस्तकम। माथे को क्या बोलेंगे? ललाटम मस्तकम। और मांग को बोलेंगे सीमांता सीमंता, या आप सीमांता भी कह सकते हैं सीमंता। और मांस को बोलेंगे मांसम पिसितम अमीशम। और मांसपेशी को बोलेंगे मांसपेशिका। मांसपेशी को क्या बोलेंगे? मांसपेशिका। फिर आगे देख लीजिए। अब मांसपेशी को बोलेंगे मांसपेशिका। मुख को बोलेंगे मुखम आनन आननम वक्त्रम। और मुष्ठी को क्या बोलेंगे? मुष्टिका मुष्ठी। मुछ को बोलेंगे मुच्छा गुम्फा गंडलोमम। मूत्राशय को बोलेंगे वस्त्रिही। और मूत्र को बोलेंगे मूत्रम स्त्रावः। योनि को बोलेंगे योनिही भगा। और रज को बोलेंगे रजः। नपुंसकलिंग शब्द है रज को रजः। फिर आगे है रीढ़। रीढ़ को बोलेंगे कशेरुकाः पृष्ठास्थिः। और रोई को बोलेंगे रोमा। लार को बोलेंगे लाला। संदिनी ही संदिनी ही। लिंग को बोलेंगे लिंगम शिशना मिड्ढा। फिर वीर को बोलेंगे वीर्यम शुक्रम। शरीर को बोलेंगे गात्रम शरीरम देहा काया। शरीर का तिल होगा तो क्लोमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोमन। सफ़ेद बाल को बोलेंगे पलितम या श्वेत कच्चा। सबसे छोटी अंगुली को बोलेंगे कनिष्ठिका स्त्रीलिंग शब्द है। सिर को बोलेंगे मस्तका शीर्षम सिरा। और स्तन को बोलेंगे पयोधरा स्तना उरोजा। स्तन के अग्रभाग को बोलेंगे चुचुकम कुचाग्रम कुचा। और स्त्रियों की जांग को बोलेंगे जघनम। हड्डियों का ढांचा बोलेंगे अस्थि पंजरा। हड्डी को बोलेंगे अस्थि कीकसम। कीकसम क्या बोलेंगे? कीकसम कीकसम बोलेंगे। आगे देख लीजिए। हड्डी के अंदर की चर्बी को बोलेंगे मज्जा। हथेली को बोलेंगे करतलम या प्रहस्ताह। हाथ को बोलेंगे हस्ताह कराह। हृदय को बोलेंगे हृदयम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बंधु बांधवा नाम नामानी पढ़ेंगे। बंधु बांधवा नाम नामानी। इस वीडियो में इतना ही। शीघ्र ही हम लोग कल सुबह 7:30 बजे बंद बांधवा नाम नामानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए महादेवा।